लांजी तहसील के करंजा धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। परिवहन नहीं होने से और बारदान की परेशानी से धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने कई बार जिला मार्केटिंग अधिकारियों से बात कही पर वो सुनने को तैयार नहीं है। कई बार लिखित शिकायत होने के बाद भी जिला मार्केटिंग अधिकारी परिवहन नहीं करवा पा रहे हैं। बालाघाट जिले में धान खरीदी बड़ी जोर शोर से हो रही है और सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों द्वारा धान खरीदी की जा रही है। वहीं लांजी तहसील के करंजा धान खरीदी केंद्र में धान का परिवहन नहीं होने से धान खरीदी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही लांजी तहसील के दहेगांव और कनादरी कला में धान खरीदी केंद्र 4-5 दिन में बारदान नहीं उपलब्ध होने से धान खरीदी प्रभावित हो रही है, जिससे प्रदेश का अन्नदाता परेशान हो रहा है। धान खरीदी केंद्र करंजा के प्रभारी धर्मदास लिल्लाहारे ने बताया कि परिवहन की शिकायत जिला मार्केटिंग अधिकारी को की गई, लेकिन ये अधिकारी आज करवाते हैं कल करवाते हैं बोलकर टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ रही है। जबकि सरकारी गाइडलाइन है कि 72 घंटे में धान का उठाव हो ही जाना चाहिए। जिला मार्केटिंग अधिकारी की कार्यप्रणाली से जिले के धान खरीदी प्रभारियों में आक्रोश है और जनता भी बहुत परेशान हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को इस बारे में जानकारी देकर संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान ना हो। खेतराम बारबुदे, क्या समस्या जा रही है? समस्या वही बारदाने की, आओ वापस जाओ। कौन से खरीदी केंद्र है? खांदरी कला। कितने दिनों से बारदाने नहीं है? 4 दिन से। 4 दिन से? ये 4 दिन हो गए अपने को आना जाना है। ये खुर्द कांदरी ये काटा बंद है यहाँ पे। हाँ, ये पूरी छल्ली से जी किसानों की। क्या समस्या जा रही है कांदरी कला धान खरीदी केंद्र में? यहाँ धान खरीदी में बारदाना नहीं है पर्याप्त। कितने दिनों से? या शुक्रवार को खरीदी किए, उसके बाद में कोई बारदाना नहीं है, तब से खरीदी बंद है। यहाँ तो कम से कम 50 किसान है यहाँ जिनका काटा नहीं हो रहा है। इनका काटा नहीं हो। कितने दिनों से पड़ा हुआ है माल? 3 दिन हो गया। 3 दिन से वही आना हो जाना। यहाँ वाले यहाँ वालों को पूछते हैं कैसा भैया बारदाना, तो बोले कल शाम तक के आ जाएगा, तो शाम तक के भी नहीं गिरा। अभी आए तो अभी भी नहीं है। क्या धान खरीदी प्रभारी है यहाँ पे अभी? नहीं, वो तो वहाँ गया है, गाड़ी गई है किरना। और कोई कर्मचारी यहाँ पे? ऑपरेटर तो बेचारा फोन कर रहा है, आ रहे बोलते हैं। अभी फोन किया तो उसने तो 12 बजे तक के गिर जाएगा बोलते, वो भी तो परेशान है। सबसे मेन चीज तो है धान परिवहन नहीं हो रहा है। जितना धान खरीदी कर रहे हैं उस हिसाब से परिवहन नहीं हो रहा है, मंद गति से परिवहन हो रहा है। अभी तक के 8 गाड़ी परिवहन हुआ है बस। इसकी कोई शिकायत आपने अधिकारी? बाकायदा लिखित में DMO कार्यालय को दिया हमने। कब दिए हैं? हम 21 तारीख को दिए। नहीं, राहत नहीं मिली है। बस एक दिन में 1 गाड़ी लग रही, उसमें क्या राहत मिलेगी? 10 गाड़ी की खरीदी है और 1 गाड़ी माल जा रहा है, नहीं लेकिन नहीं हो रहा है। 72 घंटे का निर्देश है शासन का कि जो खरीदी की है वो 72 घंटे में उठना चाहिए, लेकिन नहीं उठ रहा है। बारदाना तो मेरे पास में आज एंड हो जाएगा। 12 तारीख को जो खरीदी किया हूँ वो भी माल नहीं उठा है आज दिनांक तक। 27 तारीख है, 12 तारीख, उसके बाद में 13-14, फिर 15-16 से फिर चालू है। प्रशासक यानी प्रशासन से मांग अपनी वही है कि जिस रफ्तार से खरीदी हो रही है उस रफ्तार से परिवहन होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों को, लेबरों को पैसा नहीं मिल रहा है। मेन चीज, बाहर से लेबर बुला रहा हूँ मैं, यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से, उनको तो रोज शाम को पैसा होना। ग्रैंड भारत TV के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना।